पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसी से कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद जितने भी ऐसे गिरोह हैं उनका संरक्षण प्राप्त है राज्य सरकार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना भी जरूरी नहीं समझते कि आके कम से कम इन महिलाओं के आंसू पोंछ दें। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार शरीफ के सोहसराय में जहरीली शराब पीने की वजह से 13 लोगों की जान चली गई और कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज मृतकों के परिवारजनों से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मृतक के परिवारजनों से बातचीत की, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही इस तरीके की निर्मम घटना घटती है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो यहां आकर के परिवारजनों से संवेदना व्यक्त करें, इनसे बातचीत करें। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप सुनिए। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सीने में थोड़ा सा भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी दिल है, तो देखिए इस दृश्य को। महिलाओं के लिए इन्होंने कानून बनाया था ना, बार बार बोलते हैं भैया महिलाओं की खुशी के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने इस कानून को बनाया शराब पीने का। ये तमाम महिलाएं हैं, हर उम्र की महिलाएं, दादी से लेके चाची से लेके हर उम्र की महिलाएं, किसी ने अपने भाई को, किसी ने बेटे को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने पोते को, और इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन्हीं का गृह जिला है ये, अपने घर पर भी आना जरूरी नहीं समझते इन महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना भी जरूरी नहीं समझते कि आके कम से कम इन महिलाओं के आंसू पोंछ दें, उनके दुख सुख में उनके आपके घर के लोग हैं भैया, नालंदा जिला आपका गृह जिला, आपके घर के लोग यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। तभी कारण है कि एक हत्या पर, एक मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाते। और बार बार मैंने इस बात की आशंका जाहिर की थी, चंपारण से लेकर गोपालगंज से लेकर मुजफ्फरपुर से लेकर हर जगह मैंने इस बात को मैंने कहा था कि भगवान ना करे मुझे अगली बार किसी और परिवार से मिलने जाना पड़े जिसकी जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है। ये सब मृत्यु नहीं है, सब हत्याएं हैं भैया। आप जानते हैं कि जहरीली शराब मिल रही है, बन रही है बिहार में, क्यों नहीं इसकी रोकथाम की जाती? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कभी आकर पूछा नहीं इनसे कि कहाँ गए थे, कैसे शराब मिली, क्या हुआ, अस्पताल में इलाज हुआ नहीं हुआ। अस्पताल हम सब जानते हैं, कोई बोतियाबिंद के लिए जाता है तो उसकी आँख निकाल ली जाती है। संभवतः यहाँ पर भी अगर जाते, अगर इलाज ढंग से होता तो शायद इसमें से कुछ परिवार के लोग बच सकते थे। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकदम आँख कान बंद कर दिया भाई संदीप, जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करा रहे, जब तक आपके पास उचित जानकारी नहीं है, उस पर इस तरीके से भ्रमित बयान देना, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसी से कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद जितने भी ऐसे गिरोह हैं उनका संरक्षण प्राप्त है राज्य सरकार से, और इसीलिए उनके संरक्षण में ही इस तरीके का अवैध धंधा चल रहा है। संभव है भाई कि यहाँ पे अवैध शराब निर्माण का धंधा चल रहा हो और मुख्यमंत्री जी और उनके शासन प्रशासन के लोगों को नहीं इसकी जानकारी हो? पहाड़ी पर नाम आती है जैसा कि आपने देखा, चिराग पासवान ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उसकी वजह से आए दिन जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि उन्हीं के गृह जिले में इस तरीके की निर्मम घटना घटित हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो परिवार वालों से मिलने भी नहीं आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।